आइए बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साहिल, हैप्पी बर्थडे। सबके खिला हुआ नहीं अपना हाथ में लीजिए, अपनी भाषा सीखिए। जी का प्रणाम। आप लोग हमको कांदरक भेजिएगा, आइए सब बड़े सीनियर लोगों के साथ। सर भाई चेक चेंज करो। सर भैया एक एक बिरासी से आज कितना 34 हो गया। सॉरी तो शुरू करो। नाजिया मुस्कुराओ यार, खूबसूरत कन्याएं मुस्कुराती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपने मुझे एक नई शुरुआत दी बहुत बड़ी फिल्म करने के लिए, राकेश भैया थैंक यू, जिन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ी और प्यारी सिनेमा लिखी। और भाभी जिन्होंने राकेश भैया को यहाँ रखा। लड़कियों को आदिल बर्थडे तीन खुशी के आ गए। अब तो ट्रिपल सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो गया है, तो क्या बोलूँ मैं। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। नए साल में नए जोश, नए उमंग और नई खुशियों के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए, और हमें भी दुआ दें कि हम भी एक नई जीवन, हर कदम एक नया ही अनुभव होता है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो इस नए साल के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत मैं भी करूँ, आप सब भी करें। मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पूछिए। साहिल साहब का बर्थडे और एक फिल्म का मौका। साहिल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं उनको, और ये फिल्म जो जलजला है इसके लिए भी बहुत बहुत उनको मुबारक हो। हम सबको, जितनी तमाम टीम है सबको मुबारक हो। साहिल साहब के साथ मेरी पहचान तो बहुत दिनों से है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि हम कभी काम नहीं कर पाए, और पहली बार अभी काम की शुरुआत हुई है इनकी फिल्म अलाहाबाद से इस्लामाबाद। बड़े जुनूनी, बहुत क्या बोल सकते हैं, जोशीले डायरेक्टर हैं। ये जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, और क्षमता भी है इनके अंदर। तो मैं बस बहुत खुश हूँ इनके साथ काम करने जा रहा हूँ। ऊपर वाले आशीर्वाद दें इन्हें कि इनके ज़रिए हम सब कुछ अच्छा चीज़ बना पाए। हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैं चाहूँगा वो खड़े हों, एक साउथ इंडियन इंसान नासिर नासिफ साहब, जो साउथ इंडियन है और बिल्कुल यंग, हैंडसम, बिल्कुल येलो डायमंड है। ये बड़े जोशीले इंसान हैं, ये बना रहे हैं इलाहाबाद से इस्लामाबाद। तो आप सब इन्हें इतनी शुभकामनाएं दें कि ये सब खुशी से प्रफुल्लित हो उठें, इनको लगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी लोग सब बड़े सच्चे और बड़े अच्छे हैं। भोजपुरी ने बहुत दिया है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि इन्हें आप सब अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें, ताकि ये फिल्म बहुत अच्छी बना पाए। साहिल साहब, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, प्लीज़ आप आएँ। आप तो नहीं रहेंगे। क्या होता है ना कि प्रोड्यूसर बाप होता है तो डायरेक्टर माँ होती है, यार एक्टर जो दूल्हा होते हैं। माँ बाप ने मिल के एक बारात लगाई और भैया उसके दूल्हा है। हम सब बच्चे हैं, और इन दोनों के साथ मैं अपने आप को खड़ा पा करके बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैरेक्टर के लिए बहुत फेमस रहते हैं, एक तो फिल्म इलाहाबाद इस्लामाबाद, दूसरी फिल्म जलजला, और दोनों एक खूबसूरत नाम है, यूनिक नाम है, तो दोनों में क्या कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर तो वो सिनेमा जब आएगी तभी देखने को मिलेगा। कैरेक्टर तो अभी माँ के गर्भ में है, अब ये जैसा उसको निकालें तो अच्छा है, खलनायकी ही है, और क्या अच्छा इंसान तो हम न थे न है, फिलहाल वक्त तो कुछ बुरा ही काम करेंगे, लेकिन उस बुराई को भी अच्छे तरीके से करेंगे, कोशिश यही रहेगी। जिस तरह से अब तक आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया है, यहाँ भी बनाए रखे, कुछ भी करेंगे अच्छा होगा, इतना वादा है।
आप लोग निराशा नहीं आने दूंगा मैं अपनी तरफ से, अपने अभिनय की तरफ से। सर आप पहले आपका एक बर्थडे आपको बहुत बहुत विश करते हैं हम, और दूसरे ये कि फिल्म दो दो एक साथ आप जा रहे हैं लेकर, तो क्या कहेंगे? मेरे दोनों बड़े भाइयों को पहले नमस्कार, जिन्होंने ये माहौल बनाया इस जगह पे आके, हमारे आज तक की लाइफ का सबसे प्यारा बर्थडे, उस बर्थडे का सबसे प्यारा बर्थडे कि सीतामढ़ी की शान बोलते हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ, जो बिहार की वो धरती। हमेशा सीतामढ़ी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि सीतामढ़ी ने भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, तो सीतामढ़ी की शान बोलते हैं हम हमेशा से ऑलवेज, क्योंकि सीतामढ़ी को अगर जाना जाते तो अवधेश मिश्रा की वजह से, उसी जगह अगर मैं पैदा हुआ और आज भाई मेरे साथ मेरे बर्थडे पे, मेरे सिनेमा के मुहूर्त पे, मैं जो सिनेमा कर रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें अगर सम्मिलित है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस मोमेंट। थैंक यू वेरी मच, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे जन्मदिन को इतने प्यार से मनाया आप लोगों ने, सबको दिल से खैर मकदम प्रणाम नमस्कार जय हिंद। जलजला किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? सर जलजला आग लगाने वाला प्रोजेक्ट है, मतलब कि आग लगता हुआ टाइटल है। तो सिनेमा जो है कि सिस्टम के खिलाफ, एक ईमानदार बंदा अगर गन उठाता है तो क्या कर सकता है, एक ईमानदार आदमी दिल्ली में सरकार बना के ऑड इवन गाड़ियों का प्रयोग कर सकता है, तो हमारे सिनेमा में एक बंदा गन उठा के सिस्टम को किस तरीके से करप्शन से हटा सकता है, दैट इज़ द सिनेमा। कुछ दिन पहले आपने एक और अंगारा का मुहूर्त किया था, फिल्म का नाम था इलाहाबाद इस्लामाबाद, जी जी, उससे कितना हट के ये फिल्म है? सर इलाहाबाद से इस्लामाबाद दैट इज़ टोटली डिफरेंट सिनेमा, दैट इज़ द रियल सिनेमा एंड दिस इज़ द फैंटेसी सिनेमा। ऐसा हो सकता है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, दिस इज़ फैंटेसी सिनेमा। एंड इलाहाबाद से इस्लामाबाद दैट इज़ द बेसिक रियल सिनेमा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। प्रेजेंट हमारा बहुत ख़राब चल रहा है आतंकवाद की वजह से, अगर यही हाल रहा तो हमारा पास्ट और फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के मुद्दे हो। टेररिज्म इज़ नॉट अ गुड थिंग, वी हैव सीज दैट मैसेज बिहाइंड ऑफ दैट सिनेमा। इलाहाबाद से इस्लामाबाद इज़ टोटली डिफरेंट। जलजला कि हाँ ईमानदार आदमी प्रभावित ना हो, ईमानदार आदमी निराश ना हो, उन भ्रष्टाचारियों को ये दिखाने की कोशिश है कि ऐसे भी ईमानदार लोग पैदा होते हैं जो खद्दर के धोती गमछे और हाथ में लाठी लेके गांधी जी कहला जाते हैं, ऐसा भी एक बंदा होता है जो मफलर पहन के दिल्ली में सरकार बना लेता है। हमारा सिनेमा में भी ऐसा ही एक बंदा होगा जो करप्शन से इस तरीके से लड़ेगा कि लोगों को अच्छा लगेगा कि आई एम देयर, तो दैट इज़ फैंटेसी एंड दैट इज़ रियल। सर आप अपने बारे में आज बर्थडे के साथ साथ मुहूर्त साथ में इतने बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार जुड़े हुए हैं आपसे, तो क्या कहेंगे? या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग हैप्पी बर्थडे टू माय फेवरेट डायरेक्टर साहिल जी, ओके, एंड देन आई एम सेइंग आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू मिस्टर इरफान एंड एवरीवन, या फॉर ऑल द क्रूज हु इज वर्किंग इन जलजले, आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन इन दिस मूवी जलजले। इलाहाबाद से इस्लामाबाद कब से फ्लोर पे जा रही है? या इलाहाबाद से इस्लामाबाद का शूटिंग है, हम प्लानिंग किया जान 10 से, एंड शूटिंग के बाद शूटिंग विल कंप्लीट द शूटिंग ऑन बाय फेब 10 एंड विल रिलीज इट ऑन बाय मार्च इन होली के टाइम, सो एवरीवन कैन विल कम टू स्क्रीन ऑन बाय द टाइम ऑफ होली। तो ये है सुप्रिया, ये नाजिया शेख और सुष्मिता जी हैं, अब आप इनसे पूछ सकते हैं किस तरह किरदार है इस फिल्म में और आपको ये फिल्म अगर मैं अभी आपको बता दूं तो शायद आप फिर सोचेंगे क्या है, तो ये आप सरप्राइज ही रहने दीजिए, जब फ्लोर पे आएगी तो आप देखिएगा। ऐसे मैं जो भी करूँगी दिल से करूँगी, अच्छा करूँगी। साहिल जी से कैसे जुड़े आप, ये फिल्म आपको कैसे? अरे हम आर्टिस्ट हैं, वो डायरेक्टर हैं, जाहिर सी बात है कि बेटे माँ के पास ही जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम भी उनके पास ऐसे ही गए थे। मैम क्या किरदार है, किस तरह की फिल्म है? फिल्म के बारे में तो वो एक्चुअली वो सरप्राइज रहे तो अच्छा है, बेटर है, बाकी किरदार क्या है? ये चार्मिंग कैरेक्टर कर रही है हीरो को, जो है जिस तरीके की चार्मिंग है उस तरीके से चार्मिंग सिनेमा के अंदर भी नजर आएंगे, लूटती लुटाती नजर आएंगे हुस्न की दौलत को। ये है आप ही बता दीजिए, सुष्मिता जी है कैमरा लुक प्लीज, और मे बी सी इज डूइंग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एज एन लीड
एंड इन्होंने पहले भी मेरी दो फिल्में की हैं हिंदी में, तो सी इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड आई होप सो कि इनके साथ पुनः भोजपुरी में मुझे फर्स्ट टाइम काम करने को मौका मिलेगा तो बहुत बेहतर और बहुत मज़ा आएगा। क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो मैं इनके साथ कैसे जुड़ी वो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बहुत अजीब तरीके से जुड़ी, बट हाँ मुझे फिल्म करनी थी इसलिए मैं कैसे भी करके इनसे जुड़ी। और ये पिक्चर जलजला इसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता है। वैसे भी अगर हम बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा रोड पे देखने का, ठीक है, इसलिए सरप्राइज रहने दीजिए। आए तो हम बुलाते हैं अपने दोनों। इस फिल्म में हमने दो लड़कों को, हमने दो बैनर्स को एक साथ जोड़ा है, एक रोज एंटरटेनमेंट एंड एक जो है शिवनंदन फिल्म्स। तो इन दोनों बैनरों ने मिलकर एक साथ एक फिल्म का निर्माण का बीड़ा उठाया है। दो नए लड़के हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन भोजपुरी सिनेमा, बड़ा अकाल सा पड़ गया है, सब एक ही नायक को देखते देखते, एक ही गायक को देखते देखते। तो हमने सोचा कि चलो एक चेंज आउट करते हैं, एक बड़े सिनेमा के साथ साथ एक नई सिनेमा भी करते हैं जिसमें नए लोग आए, उनकी प्रतिभा प्रदर्शित हो। आई होप सो शुरुआत में रिस्की कदम है, कुछ बहुत बड़ा धमाका बम विस्फोट तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बच्चे इतने अच्छे एक्टर हैं कि अपने आप को साबित करेंगे। बुलाइए जरा उनको, इरफान। ये जलजला में आप लीड प्ले कर रहे हैं, किस तरह की फिल्म है और साहिल साहब ने क्या बताया? सर पहले बता दूं कि जलजला जो फिल्म का नाम है उसमें दिखाया गया है कि दो इंस्पेक्टर हैं जो दोनों भाई रहते हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसमें जो मेन विलन है लाइक जो अवधेश जी हैं वो पूरा सिस्टम को करप्ट करके रखे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई भी जाता है तो उसको या तो फिर अपाहिज बना देते हैं या फिर उसको मरवा देते हैं, मतलब पूरा दहशत ही दहशत है, उनके खिलाफ़ कोई जाने की कोशिश भी नहीं करता है। तो उसमें एक इंस्पेक्टर आता है और उनके खिलाफ़ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मारते नहीं है, उसको डिमोलाइज कर देते हैं, अपाहिज बना कर रख देते हैं, उसकी वर्दी तक उतरवा देते हैं। फिर उसका दूसरा भाई जो आता है उसका ताकत बनता है, ताकत बन करके वो दोनों सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसमें जहाँ तक दिखाया गया है कि दो भाइयों के रिश्तों को भी दिखाया है और सही और गलत में फ़र्क भी दिखाया है। ये हमारी कहानी की फिल्म की स्टोरी है। तैयारी किया आपने इस फिल्म की? हाँ, कितनी तैयारी की? तैयारी मैं आप देख ही रहे, इसके लिए जिम ज्वाइन किया हूँ और इस मार्शल आर्ट मैं पहले से अभी तक तो बात हुई अक्सर की। रोमांटिक में क्या सिचुएशन है इसमें? रोमांस में इसमें अच्छा है, रोमांस दिखाया गया है इसमें, बहुत सारे पायल पांडे जी का है और भी कुछ कास्टिंग होना बाकी है जो अभी हमारे साहिल सर उनको चयनित करेंगे। तो जहाँ तक रोमांस के बारे में है बता दूँ आपको कि उसमें सीमा सिंह जी हैं, आइटम डांस होगा ही होगा और ये पूरी तरह से लगभग कम रोमांस है और एक्शन ज़्यादा है। थैंक यू। आई बोलना चाहूँगा और हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा नाम दीपक पटेल। किस तरह की फिल्म है, कैसे मिली आपको? सर ये एक आतंकवाद के खिलाफ फिल्म है, दो भाइयों की कहानी है और ये साहिल सन्नी जी डायरेक्टर और बड़े भाई जैसे हैं मेरे, उन्होंने फिल्म के लिए बोला गया और फिल्म में दो भाइयों की कहानी का। फिल्म का कुछ बताएंगे आपके किस तरह की तैयारी की? फिल्म की तैयारी एक्शन मूवी है और ऑलरेडी मैं फाइट पहले से सीखा हूँ और काम किया हूँ बहुत सारे मूवियों में, लेकिन लीड रोल का एक फर्स्ट मूवी है। पहले तो मैं बधाई दूंगा साहिल भाई को उनके बर्थडे की। फिल्म जलजला का मुहूर्त हुआ इसके लिए पूरी यूनिट को, पूरे क्रू को, इस फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको बधाई। फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए जिस तरीके से आज सिनेमा बदल रहा है, पूरी सिनेमा जिस तरीके से बदल रहा है, अच्छी फिल्में बन रही, तकनीकी का अच्छा प्रयोग हो रहा है, उसमें एक कड़ी जलजला भी बनेगी ऐसा मेरा विश्वास है। किस तरह किरदार है आपके? ऑब्वियसली विलन के रूप में ही तो लगी है तो विलन ही होगा, और वैसे जैसे एक हीरो के लिए दुश्वारियाँ खड़ी करता है विलन, तो वैसा ही किरदार है। आने वाले प्रोजेक्ट ये एक उड़िया फिल्म कर रहा हूँ मैं और उसके बाद है बम बम बोल रहा है काशी, दिनेश लाल के साथ प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन की, मोकामा रिलीज होने वाली है मार्च में, और
एक फिल्म है हमारी यदवंशम जो अप्रैल में जा रही है, वो भी काफ़ी बड़े कैनवस की फिल्म है और हिस्टोरिकल फिल्म है, जैसे आपने बाहुबली देखा था ठीक वैसा इफेक्ट कुछ देखने को मिलेगा भोजपुरी में, ये अप्रैल में शूट है इसका। इसमें निगेटिव करेक्टर है मेरा, इसमें निगेटिव करेक्टर है अवधेश जी के थ्रू उनके बेटे का, तो उनके बेटे का किरदार करके आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत मैं अंदर से बहुत ही फीलिंग महसूस ये कर रहा हूँ कि आज उनके साथ जो मुझे मौका मिला हुआ है, मैं बहुत सोच रहा था कि उनके साथ एक बार काम करूँ। क्या कहेंगे आप आज साहिल साहब का बर्थडे और ऑलरेडी आप उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उनको सबसे पहले उनकी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की भी शुभकामनाएं लेते हुए और इलाहाबाद से इस्लामाबाद के लिए भी शुभकामनाएं। नया साल आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छे से किया, पार्टी किया, सब कुछ किया। हाँ शादाब भाई आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शाहिल भाई को उनके बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं और दूसरा आज उनकी फिल्म का जलजला का मुहूर्त है, इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में? इस वक्त मैं इलाहाबाद से इस्लामाबाद करके एक मूवी कर रहा हूँ और सेकेंडरी मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, एल्बम है जिसका नाम है गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। इंशाल्लाह 26 जनवरी माई बर्थडे के दिन लॉन्च करेंगे हम लोग और बड़ी एक बिग पार्टी करके, और सेकंड तो वही। अब दोनों अभी सोशल मीडिया पर बड़ा रोमांटिक मूड में दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस ये हम लोगों की जोड़ी है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है रोमांटिक रहेंगे, और ये आप लोगों की नवाजी है कि आप लोग इतना अच्छा समझते हैं। थैंक यू। अपने बैनर को इंट्रोड्यूस किया है, मेरे खुशकिस्मती भैया आए साथ में, इन दोनों भैया दोनों भाइयों के लिए इनकी नई कैरियर की यहाँ से शुरुआत हो रही है। भैया कुछ शब्द कहें और कुछ चीज़ें भी कहें जिससे कि ये बच्चे प्रिपेयर्ड हो सिनेमा के समय में। सबसे पहले तो दोनों को दुआ देना चाहूँगा, इरफान जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस भैया दीपक जी, इन दोनों की शक्ल जितनी जुनूनी है वाकई इतनी जुनूनी है तभी एक फिल्म के निर्माण की तरफ पहुँच गए हैं। दोनों उमदा अभिनेता है जैसा मुझे सुनने को मिला है, ये इसमें एक्ट भी कर रहे हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो ये जज्बा अपने आप में ही बहुत बड़ा है कि एक एक्टर जो ये सोचे कि मुझे फिल्म प्रोड्यूस करना है तो जज्बे की पराकाष्ठा है। बस हम यही कहेंगे अपनी दुआओं के साथ अपना साथ देंगे जितना हमसे हो पाएगा एज एन एक्टर, एक अनुभवी जो भी एक अनुभव मिल पाया मुझे सिनेमा में, साहिल जी जैसे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं तो सिनेमा तो संपूर्ण हो ही जाएगा इनका, बस अपने इस जोशो जुनून को इसी तरह से बनाए रखें, बरकरार रखें। इरफान साहब, दीपक जी गॉड ब्लेस, सही इंसान के पास आए हैं साहिल बाबू के पास, ये निश्चित आप दोनों की नैया को आगे लेके चलेंगे और हम सब उसमें सवार हो सकते हैं, तो आपकी नैया मजबूत रहे यही दुआ करते हैं। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, थैंक यू। नहीं दिखने वाले रंग तो हम लोग गोर उर ऊपर उठा लेंगे, बढ़ा है तो क्या हुआ, जून तो है हम लोग। अब कलाकार जगह मेरा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए प्लीज। ये मैं ही करता हूँ इस काम को, दीपक जी लीजिए भैया को दीजिए, सब एक के बार दे दोगे प्रॉपर्टी यार। अरे मुझे क्यों देना है, दोनों प्रोड्यूसर साहब को, साहिल साहब आप आइए ना तो फिर सिनेमा का मतलब ही नहीं है ना। सर भैया लीजिए आपके लिए, मेरी तरफ से आपको, मेरी तरफ से आपको, मेरी तरफ से आप, मैं लीजिए हाथ में, चलिए आप लाइए और लाइए महाराज फूल इतना है महाराज, हम तुम्हारे लिए सब लाए लो, सारे मेरे अभिनेता को गुलाब का फूल किसी चीज और देने के काबिल बन गए। सर सर
स्लीपिंग हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब मेरे हीरो बर्थडे टू यू सर जिस सिनेमा को वहां तक पहुंचाएंगे चलिए सर ओके रेडी ओके दिल से एक ही आवाज निकल रही है कि आज अवधेश भैया मेरे पास आए कैसे रियली काफी बिजी शेड्यूल में भैया आपके प्लीज आपने यादगार बना दिया ये दिल से वक्तव्य है नॉट सिनेमैटिक वक्तव्य लव यू सर यहाँ तक पहुँचने में भैया का ये सारा काउंट होता है मुझे लगता है ओके थैंक यू